हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं आज बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसमें यहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बीएड करना, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि यहां पर पहली बार कंबाइंड जो स्टेट बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2024-26 के लिए, उसके लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। तो आप लोग देखते हैं, यहाँ पर सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय की ओर से ऑफिशियल अपडेट है, जिसमें यहाँ पर उत्तराखंड के स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2024-26 लिखा गया है। और इसके लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया कि 26 तारीख से आपके यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुरू हो चुके हैं, जिनमें आपके यहाँ पर जो भी विश्वविद्यालय हैं उनका सभी का एक ही पेपर होने वाला है, चाहे आपका सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय का हो, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल का हो, या सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का हो। क्योंकि अब हर बार नहीं आएंगे हर यूनिवर्सिटी के फॉर्म, एक ही बार में आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, उसी के आधार पर आपका जो भी कोर्सेज है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो इससे संबंध जितने भी राजकीय हैं या अशासकीय महाविद्यालय हैं या स्ववित्त पोषित बीएड संस्थान है, उन सभी के लिए प्रवेश आपकी एक ही होने वाली है। पहली बार ही ऐसा वर्क है कि पूरे उत्तराखंड में एक ही, जितनी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं उनके लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है संयुक्त रूप से। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हर बार नहीं निकलेंगे, क्योंकि पहले कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अलग निकलते थे, और जो अल्मोड़ा जो अल्मोड़ा सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी है उसका अलग निकलता था, और सिद्धेश्वर यूनिवर्सिटी का अलग निकलता था, लेकिन इस बार सब एक ही साथ निकाल दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी 15 मई रखी गई है, और शुल्क जमा करने की जो तिथि रखी गई 16 मई रखी गई है। प्रवेश परीक्षा तिथि यहाँ पर रखी गई है 26 मई। 26 मई को इसी एग्जाम में आपका 26 मई को एग्जाम इसका हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार करने के लिए दो तिथि जारी किए गए हैं, इसमें 17 और 18, दो दिन आपको रखे जाएंगे। दो दिन के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन जो भी सुधार करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, उसके पश्चात कोई भी नहीं होगा ऑनलाइन में करेक्शन। सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये शुल्क रहेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस और सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग वालों के लिए 1000 रुपये शुल्क रहेगा। आवेदन इस तरह करना है कि आपको यहाँ पर जो वेबसाइट दिए गए हैं यहाँ से आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। तो इस बार सभी के लिए एक ही बना दिया है, तो आप लोग को एक ही बार करना पड़ेगा। ऐसा मत समझना कि हर यूनिवर्सिटी अलग अलग आएगा, क्योंकि हर साल ऐसा आता था, लेकिन इस साल फॉर्म एक ही साथ आ गया है, तो आप लोग को यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जो भी करना चाहते हैं।